अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चले आज हम मैं बना रही हूँ सिंपल चिकन कढ़ाई, ठीक है? तो उसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें है टमाटर, ये गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, दही और ये धनिया है जो मैंने पानी में भिगो के रखा है, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा चिकन। मतलब मैं कम बनाऊंगी इसलिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया, ठीक है? ये मैंने प्याज काट ली है, ठीक है, पहले से। तो इसमें अब ऐड करूंगी घी। घी डालें, ऑयल डालें, कुछ भी जो आप लोग खाते हो, ठीक है? तो ये देखिए, ये मैंने घी ऐड कर लिया है, ठीक है, प्याज में, और हम इसको ब्राउन करेंगे। ये देखिए, ये हमारे प्याज लाइट से ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, चिकन। ये देखिए, ये अच्छी तरह से अभी मैं प्याज में चिकन इसलिए, आप सब लोगों को पता होगा, वो इसलिए मैं ऐड करती हूँ ताकि आपको पता, फिर स्मेल नहीं आती चिकन में। तो ये अच्छी तरह से जब पक जाएगा इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर पक जाए। ये देखिए, टमाटर हमारे पक चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। मैंने हल्की आंच पे रखा था ताकि जल ना जाए, अब मैंने आंच तेज़ कर दी। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, ठीक है? अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। दही मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी ज़्यादा। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और हरी मिर्च, ठीक है, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, बाकी हम जब हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी उसके बाद हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक, ठीक है? मैं इसमें कढ़ाई में सारा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं गरम मसाले वाली बना रही हूँ, सिंपल नॉर्मल मज़ेदार से। ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, मज़ेदार सा, ठीक है? बस इसको हम हल्के आंच पर रखेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये सारा मसाला पक जाए थोड़ा सा, ठीक है? उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये तैयार हो चुका है, ठीक है? ये देखिए, ये हमारा सालन तैयार हो गया है, ठीक है? इसमें हम अभी धनिया डाल देंगे। आप लोग भी इसको ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार बना है।